आसमान जी उनको तरफ से 100 रुपया का पुरस्कार है। कंपनी को ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। काहो पेरा वाला जंदाहा रसलपुर पेरा वाला पेरा बेच कर दिए देखते हैं 10 रुपया दिए हैं। बहुत बहुत कंपनी के ओर धन्यवाद। शंभुजानी पद्मौल के निवासी उनको तरफ से कैश प्राइज का पुरस्कार है। कंपनी को बहुत धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम। हो मस्त रहो। और हाय ध्यान दे हमारे जितने भी माता बहन जितने भाई बंधु हैं सभी कृपया आप बैठ जाएं क्योंकि पीछे वाले को दिक्कत होता है। की कर भाई मेला ठेला वाला बात है बैठे में दिक्कत हो छै ये चलते खड़ा कि अपने गोर दुखता नहीं अपने बैठ जाते द्वारपाल। ये बताओ ये फिल्मी दुनिया किसने गा रहा था? फिल्मी दुनिया गाना जो गा रहा था कौन गा रहा था? वो नितेश भाई के साउंड बजाते रहे। अच्छा तो बात गौर से सुनो। हमारा ही नाम नटवर सिंह है। आप एक नाम बाबू नटवर सिंह है। इसलिए देखे में नाटा है चप्पल में बाटा है लोहा में टाटा है अब बेल का काटा है। कहीं का कि बेल का काटा हूँ मैं। बोलो इसलिए मैं प्रण ठाना हूँ कि जो भी वीर यदि हमें लोहा की लड़ाई की जवाब दे दे उसके साथ मैं सोमिया रुबिया को शादी कर दूंगा। माने जे भी वीर आपको लोहा को जवाब दे देगा आपको उठा का पटक देगा या हाथ गोर बांध देगा उसको माने अपना बेटी रुबिया सोमिया को शादी कर दीजिएगा उससे। बिल्कुल ठीक है हम प्रचार कर देते हैं माइक लेके कानों किला में कि सुनिए लो राजा महाराजा प्रजा हमारे बाबू नटवर सिंह को जो कैद कर लेगा ओ अपना ही बेटी से शादी उसको कर देंगे। आप लोग के ताकत अगर कम गया है तो तारी जाकर चार चार बोतल पी लीजिए 20 रुपए नहीं देता 30 रुपए पीजिए लेकिन आइए इनको पटकिए और शादी कीजिए। यहाँ लड़ाई तारी दारू पी कर करेगा। तारी पी ले रहता है तब ना ताकत रहता है। उधर कहीं का तो मुफरबा मुफरबा पी कर कुछ भी नहीं सीधा सा पट्टा जैसे मैं हूँ उसी तरह आना चाहिए। ठीक ठीक सदा मुंह आइएगा। कचहरी चलता हूँ कोई भी आ जाए तो मुझे खबर दो। ठीक है कोई भी वीर आदमी आएगा उसको हम कहेंगे खेला बात नहीं है बबुआ। क्या चीज का प्रचार हो रहा था? हमारे मालिक बाबू नटवर सिंह को अच्छी बात जो पटक देगा लोहा को जवाब दे देगा कैद कर लेगा अपना बेटी से उसको शादी कर देंगे। उनका प्रतिज्ञा है। हाँ ठीक है जाके उन्हें कह दो एक बड़बिठूर का राजा है वो आपसे मिलना चाहते हैं। आप लड़िएगा सामने के लिए आए थे क्या देखने के लिए? शादी कीजिएगा। पागल शादी की बात छोड़ दो ना शादी कीजिएगा ना करेंगे ना जब कैद कर देंगे तो कर लेंगे। आप भी रामचंद्र जगति शुरू कर दिए शादी पर शादी। आइए आइए मालिक देखिए एक गढ़ मिठुन के राजा है बाबू मिठुन सिंह। क्या एक राजा आ गया? हाँ कहते हैं
कर है नटवर सिंह, जल्दी सामने करो, उसको सफा चट लगा के मोचू कर लेंगे। क्या महाराज, आप ही अनाउंस किए हैं कि जो राजा मुझे कैद कर देगा उसी से मैं अपनी लड़की का शादी करूंगा। हाँ राजा, मैं एक प्रण ठाना हूं कि जो भी वीर यदि मुझे कोई लोहा की जवाब दे दे तो मैं अपनी पुत्री शोभिया रुबिया को साथ शादी कर दूंगा। इसलिए यदि तुम इस ख्वाहिश में आया हो तो मैं एक बात पूछना चाहता हूं। तेरे कौन कहा कि रहने वाला क्या तुम्हारा नाम? कौन कहा कि रहने वाला क्या तुम्हारा नाम? कौन कुल का बालक है क्या शकल का नाम? पर्चे तो आप पूछ लिए, तो कहा रहने वाला तुम और क्या है तुम्हारा? कहा का रहने वाला तुम और क्या है तुम्हारा नाम? तो कौन कुल का बालक हो और क्या है तुम्हारा? वालों से मैं बहुत खुश होता हूं, तो गौर से सुनो। नटवरगंज की रहने वाला नटवर सिंह मेरा था। नटवरगंज की रहने वाला नटवर सिंह मेरा नाम, छत्री कुल का बालक हूं कर्तव्यों का। राजन, इससे पहले मैं तुम्हें एक बार बचने का मोहलत देता हूं, तो भाग जाओ रणभूमि से लंबी पैर। भाग जा रणभूमि से लंबी पैर पखार, इस काल का लगा दू तेरी कतलता और तू। तेरी माँ के अदा पर मैं खुद हूँ फिदा।
ने मुझसे मोहब्बत किया तेरे दादी के उल्फत पे। बिल्कुल तैयार हो जाओ। वो तो भाग गया और तू मेरे पीछे कह रहा कि मार दूंगा। भागे करा दे लूँ वो। हमला पिल्ला पाज रही माथा तूने वाला औजार। अच्छा तू माथा कूचने वाला सामान ला रहा था। तू उड़ा भागा दे लूँ। ठीक है बहादुर, कोई भी वीर इस धरती पर अवतार नहीं लिया कि नटवर सिंह को लोहे का जवाब देकर उसको बेटी का कोई ढोला फड़ा कर ले जाए। इसलिए मैं यहां से चल रहा हूं। यदि कोई भी आ जाए तो मुझे खबर देना, मैं चलता हूं। हेलो 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 हेलो। आज मुझे मालूम हुआ है क्या, आज मिट्टू घाट में मेला लगा हुआ है, लेकिन मैं मेला देखने के लिए मिट्टू घाट रात में मैं जरूर जाऊंगा, लेकिन कोई भी काम करने से पहले किसी का राय लेना जरूरी रहता है। मैं सबसे पहले भैया के पास जाता हूँ, क्या कहते हैं उनसे पूछ के, उसके बाद मैं मिठुर घाट राज का मैं पता लगाऊंगा। आए दरबारी, सुनो हमारे भैया कहाँ है? कोतारी पर। अरे छोटा कोतारी नहीं होता है, कोचारी होता है। वह कोचारी में है। जाके बुला के लेके आओ, कहो कि आपके छोटे भाई मिलना चाहते हैं। हम जाएंगे बुलाने, बुला कर लाएंगे, ताले मार्क से फागुन हो जाएगा। अब एक के बाद डायरेक्ट चलना जाइए। क्या मैं चले जाऊं बड़े भैया के पास? हेलो और भैया से मुलाकात करूंगा। आहे देवी आहे तू हमारा पे I'm
दुर्गा दिखे राज मुझे ऑर्डर दे चाहे नहीं दे, लेकिन मैं मिठुर घाट राज में मेला जरूर जाऊंगा देखने के लिए। लेकिन जाकर पूछता हूं भैया से, मुझे ऑर्डर देते हैं या नहीं देते हैं? खुश रहो मेरे भाई, आज तुम्हारे चेहरे पर रंग भरा हुआ है, क्या कहीं का यात्रा बना लिया है क्या? हाँ भैया, इसलिए तो मैं आपके पास आया हूँ। अच्छा, कहाँ का यात्रा बनाया, कह सुनाओ। आहो यात्रा बनैली हो भैया, आहो मिठुर गढ़वा के मेलबा चल गेलै भैया, आहो मिठुर नाम हो रहा है यार, तुम पिथुर राज में देश देश की डाइन जोगी, देश देश के छात्री वहां आए होंगे। उस मेला में जाने के बाद हो सकता है तुम पर कोई अगर वार कर दिया, अगर तुम कहीं खप गया तो राज वहां पर सुना पड़ जाएगा। भैया ऐसा ऐसा कोई शस्त्र नहीं बना है कि रुदल सिंह को कोई छू सके। आप फिक्र छोड़ दीजिए, सिर्फ आप मुझे हुकुम दीजिए, मैं मिठुर घाट का मेला जरूर जाऊंगा देखने के लिए। क्या तुम मिठुर राज जाने के लिए तैयार हो गया है ना? आहो छोरी जा बताहू हो भैया, आहो तू हमारा के आहो जाई कर सकते हो, नहीं तो कहो तो मैं मोहब्बा में मेला लगा देता हूं। नहीं भैया,
मुझे शौक है कि मैं वहां जाकर मेला देखूंगा, तो मैं जरूर देखूंगा। आप सिर्फ हुकुम मुझे दे दीजिए। ठीक है, नहीं मानते हो तो कहे कबीर हम कहबे करेंगे, नौ मानोगे तो हम करबे क्या करेंगे। तुम तो पागल है, ये है, जहां जाओगे तहां तो झंझट रखा हुआ है। ठीक है, मैं तुम्हें इजाजत देता हूं, जा सकते हो। अब तो मैं भैया से डर ले लिया हूं कि मैं मिट्टू घाट के राज मेला देखने के लिए जाऊंगा। अरे राज मिठुर में मेला लगा है गंगा पर। हाँ मुझे भाई मेला देखे, तू जाओगे? हाँ तो उनका सेवा सत्कार क्या करता है, पानी आप ला कर देता है। हम यहाँ जो अकेले थे ना, हम जब वो मेला देखे, मेला देखा हूँ चला हूँ। हाँ मालिक ने कहा हम पूछो ना किन बात, पूछो ना, हम पूछो ना। जेहू एक छोट गधा यहाँ हाफ दिन करता, शरीर कुत्ते ज्यादा माना जाएगा मेला। ए मालिक, अच्छा ए मालिक मेला देखे जाए मेहन का साथ में, जो ही तो ही मार खा जाएगा। मार किलो से ना बनिया, मुंह चौड़ा कर दे। मारता है जामर छोटका मालिक नो किन गर्दों ने काट लेती। छोटका मालिक गर्दन काट गया जिलेबी के चलते। तुम क्या नहीं जाना? नाम जब बोला, नाम जब बोला हम रसगुल्ला का कम मोर जब हेलो लीजिए, हनुमान मंदिर निर्माण हेतु चंदा रसीद संत बुधन बाबा हुसैनीपुर कि रास्ते में उनके तरफ से 21 रुपए का आशीर्वाद है और इस जगह का जय जयकार। आज न जाने हमारे देवर पर चेहरे की रंग भरी हुई है, शायद कहीं का यात्रा बनाए हैं। उनसे कुछ बातचीत मैं करके देखती हूँ, वो बताते हैं। चल मैं भाभी जो है बार भाव जाए माता खिलोती है, इसलिए भाभी से मैं पूछ कर देखता हूँ, कहीं भाभी का इच्छा भी हो मेला घूमने का। देवर जी, आज आपकी चेहरे पर रंग भरी हुई है, आपके देखकर मैं कुछ कहना चाहती हूँ। कहो क्या कहना। आओ कहा के जतरवा हो देवर जी, आहो तू ता बना बना आहो ते करो हनिया हो तू लरा हो दीत हो कहाँ के जतरवा हो देवर, भाभी सुनला धर्म दिल के
आप गढ़ मिठुर का जत्रा बनाए हैं। हाँ भाभी, आज खबर आया है मिठुर गढ़ राज में मेला लगा हुआ है, वहीं का जत्रा बनाया हूँ भाभी। आपको तो वहां जाना नहीं, क्योंकि गढ़ मिठुर का मेला बहुत धूमधाम की लगती है। वहां जाने के बाद कोई तरह की बात आपको जरूर होगी, आप वहां मत जाइए। आहे हमरा दिलवा में आहे जाई करत, मैया के समान तुम्हारा घरवा। दूर दूर की यात्री लोग उस मेले के अंदर आएगी। लीजिए, हमारे माननीय सुनील कुमार पासवान जी की तरफ से 20 रुपए का पुरस्कार है, मैं अपनी ओर से अभिनंदन करती हूँ। उस मेले में आप मत जाइए। क्या भाभी, उस मेला में मैं अकेले मैं नहीं जाऊँ? नहीं, अहो संघवा लगा लहो देवर तो भौजी सोनमा के। हाँ लगाई लीजिए। सुनील दीवाना उनकी तरफ से 20 रुपए का पुरस्कार है।